वीरेंद्र रघुवंशी, विधायक कोलारस, आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त दायित्व और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दिया है। उसके पीछे कारण तो अनेक हैं, पर दो तीन प्रमुख कारण हैं। 3.5 वर्ष पहले जब सिंधिया जी के नेतृत्व में अनेक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अनेक सिंधिया निष्ठ मंत्री बने, हमारे गुना लोकसभा की पीड़ा, ग्वालियर संभाग की पीड़ा ये रही कि एक तरफा मालिक की तरह यहाँ मंत्रियों की तैनाती सिंधिया जी के कहने पर कर दी गई। हम मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं ने, अनेक लोगों ने ये निवेदन किया कि सरकार अगर बनाई है, बनी है, अच्छी है, खुशी की बात है, पर व्यक्ति विशेष का इतना वर्चस्व मत करिए कि हम लोगों को आगे जनसेवा और विकास करना मुश्किल हो जाए, राजनीति में रहना मुश्किल हो जाए। पर शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद इतने ज़्यादा दबाव में थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। अनेक बार विधायक के नाते मैंने विधायक दल की बैठक में भी बात रखी, व्यक्तिगत 2 महीने पहले कोर कमेटी की शिवपुरी जिले की CM हाउस में होने वाली बैठक में भी बात रखी, दूर TV के माध्यम से बहुत लंबा न बोलते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल में जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग, गुना लोकसभा और विशेषकर मेरी कोलरस विधानसभा में हम सभी कार्यकर्ताओं को पीड़ित करने का काम किया, मेरी मेहनत को, जनसेवा को, विकास कार्यों को जो मैंने स्वीकृत कराए, चाहे वो डैम हो, बिजली के स्टेशन हो, रोडें हो, पुल हो, किसी का भूमि पूजन करने देने का अधिकार मुझे नहीं देने दिया, लोकार्पण के अधिकार नहीं देने दिए, हर विषय पर झगड़ा करना, हर जगह मेरे काम को रोकना और पूर्व विधायक महेंद्र यादव को सुपीरियर सुपरहेड बनाना, इसमें सिंधिया जी की टीम और प्रभारी मंत्री लगे रहे, ये सब भी मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब भ्रष्टाचार के भ्रष्ट अधिकारियों को लगातार मेरी विधानसभा में तैनात करना शुरू किया, SDM, SDOP, तहसीलदार से 5-5, 10-10 लाख रुपए लेकर जब तैनाती की तो मुझे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने लगातार इसका विरोध किया। 1 महीने पहले भी जब CO जनपद बदरवास मेरे यहाँ पोस्टिंग की गई, पूर्व विधायक महेंद्र यादव के मांग पर प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा एक भले ईमानदार अधिकारी CO जनपद मिस्टर पिप्पल को हटाकर और अरविंद शर्मा जो 4 बार लोकायुक्त में पकड़े गए हैं उनको तैनात कर दिया गया। मैंने प्रभारी मंत्री को भी कहा कि मेरी छवि साफ सुथरी और स्वच्छ छवि है, इतने लेन देन और भ्रष्ट अधिकारियों को मेरी विधानसभा में आपको नहीं भेजना चाहिए, मेरे कहने से नहीं भेजते, मत भेजिए, 3.5 साल से आप विधानसभा चला रहे हैं प्रभारी मंत्री के नाते, पर कृपया करके ईमानदार अधिकारियों को मेरे यहाँ भेजिए। एक नहीं सुनी और न सुनने को तैयार है, यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री जी के द्वारा मेरे ऊपर 2-3 बार FIR कराने की, फर्जी मुकदमों में भी कोशिश की, जिस